आज बनाएंगे हम होममेड गरम मसाला। इसके लिए हमें सूखा धनिया साबुत, काली मिर्च, धनिया काली मिर्च बराबर, और जावित्री कम थोड़ी, लौंगे, जायफल, बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, सौंफ, तेजपात, छोटी इलायची, फूल, और जो भी गरम मसाले आपके पास हों, कम एक आध कम ज़्यादा आप पीस सकते हैं। मसाले को एक दो मिनट के लिए भूनना है। इसमें सबसे पहले हम धनिया डालेंगे, थोड़ा भूनेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें फ्राई पैन में धनिया डालना है। धनिया के बाद तेजपात, धनिया और तेजपात खुशबू आने लगे, हल्का भुन गए हैं। अब इसमें हम सौंफ, जीरा, एक मिनट तक इसको सौंफ जीरा को मिला के भुनेंगे। इसके बाद एक मिनट हो चुका है, थोड़ा भून चुके हैं, अब सारे मसाले छोड़ देंगे एक मिनट के लिए। एक मिनट तक सबको मिलाकर भूनेंगे। गरम मसाला भुन चुका है, अब इसे ढककर रख देंगे जब तक ठंडा नहीं होगा। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में पीसेंगे और ढकने से इसकी स्मेल और अच्छी हो जाएगी। भुन चुका है, अब इसको देखिए, एकदम तेजपात बिल्कुल कुरकुरा हो चुका है। अब इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। गरम मसाला हमारा पीस चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे एयर टाइट डब्बे में रख लें, महीनों तक चलेगा, फ्रेश और प्योर। एक बार फिर से बोलो, एकदम फ्रेश और प्योर। और पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और एक बार जरूर बनाइएगा।